तो एक ही जॉब तक में आप सबका स्वागत है। आज न्यू अपडेट के साथ जुड़ा हूँ। ये अपडेट निकल के आ रहा है एनडीए, नेशनल डिफेंस ऑफ एकेडमी यानी एनडीए। एनडीए का फॉर्म पब्लिक कर चुका है, फॉर्म आ चुका है। ये फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो गया है? ये फॉर्म भरना आपको 18/5 यानी 18 मई 2022 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट कब है? 7 जून 2022 तक है। ये एनडीए सेकेंड का है, ये फॉर्म जो निकला है एनडीए सेकेंड का। इसका साइट क्या है? upsc.gov.in पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और हाउ टू अप्लाई कैसे करना है? upsc.online.nic.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म को भरना है तो आपको लास्ट डेट 7 जून तक है। अगर फॉर्म को विड्रॉल करना है आपको तो 14 जून से 20 जून के बीच में आप फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मांग है, मैं सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सिलेबस क्या है, नंबर ऑफ सीट कितने हैं, मैं टोटल चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हैं वैकेंसी, इसमें वैकेंसी आर्मी के अंदर में है आपको 208 है, जिसमें फीमेल कैंडिडेट का 10 है। नेवी का इसमें आपको 42 है। एयरफोर्स का आपका अप्लाइंग का 92 है। ग्राउंड ड्यूटी का 18 है। ये सारे वैकेंसी आपका दिया गया है। इसमें ग्राउंड ऑफ नॉन टेक का 10 है और नेवल एकेडमी 12th एंट्री आपको मेवल का 30 है। टोटल आपको 400 वैकेंसी आप देख सकते हैं एनडीए के अंदर में। एनडीए के अंदर में 400 वैकेंसी है जो आप देख सकते हैं, जो ये फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये बहुत बेहतरीन मौका है। और ये है आपका एग्जामिनेशन सेंटर, कहाँ कहाँ दिया गया है आप सारे देख सकते हैं। दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून, पटना, यूपी, हर जगह दिया है। ऑल ओवर इंडिया में है, मुंबई, हर जगह है सेंटर। आप फॉर्म को भर सकते हैं जिससे आपका सेंटर नियर बाई आपको आपको सिटी में दिया जाएगा। इसमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं और ये आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है सबके लिए, मैं वो भी बताने वाला हूँ आपको। अगर आपके पास आर्मी विंग और नेवल एकेडमी के लिए भरना है तो आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए या अपेयरिंग है। 12th पास या 12th फाइनल ईयर वाले बच्चे भर सकते हैं। अगर आपके कोई भी ब्रांच है तो भर सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए भरना चाहते हैं तो आपके लिए 12th पास या अपेयरिंग, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको होना चाहिए और मैथ आपको होना चाहिए, तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। यानी PCM अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं 12th में। अगर आपके पास नहीं है तो आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें है कि 12th पास अपेयरिंग दोनों के लिए है और ये फिजिकल स्टैंडर्ड है। ये आपको बाद में इसमें जो फीस रखा गया आपको आप वो भी देख सकते हैं। फीस आपको इसमें है NCS ST ST के लिए फीस नहीं है, और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस है, जो भी सी उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस रखा गया। पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर इसमें आप, मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, अब मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। इसमें फॉर्म कैसे भरना है मैंने बता दिया आपको कि आपको फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। और ये बहुत अच्छे जॉब होते हैं, इसमें एज वगैरह का भी इसमें देख सकते हैं। ये तो लास्ट डेट है 7 जून, मैंने आपको बता दिया है। और इसमें आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाला है, एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा, जब आपको एग्ज़ाम होगा तो मैसेज भी आएगा आपको, उसके बाद आप एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। फिर आपको सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देना होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएंगे। और मैं आपको इसका सिलेबस बताने वाला हूँ कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस जानना ज़रूरी है, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको सिलेबस देखना पड़ेगा कि आपको सिलेबस में क्या क्या है। देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन का दिया हुआ है इसमें, जिसमें आपको मैथ आएगा 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट का, जिसमें 300 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको 2.5 घंटे देंगे, जिसमें 600 मार्क्स होंगे। मैं 300 300 600 से आपको 9 से हो गए। और आपको इंटरव्यू टेस्ट में 9 से दिया जाएगा, तो 900 900 आपके 1800 हो गए, देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस ध्यान रखिए।
जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हो। देखो मैथ का सिलेबस 300 नंबर का दिया गया है, अलजेबरा है, ये सारों आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मैट्रिक्स है, आपको ट्रिगोमेट्री है, एनालिसिस है, ज्योमेट्री है, ये सारे आपको भरना है। जो आपको एग्ज़ाम में सिलेबस दिया गया है उसी के अनुसार आपको पढ़ना है और क्वालिफाई करना है। ये जनरल एबिलिटी टेस्ट है जिसमें आपको इंग्लिश रहेगा 200 मार्क्स का, जिससे जनरल नॉलेज रहेगा आपको 400 मार्क्स का, जिसमें आपको फिजिक्स रहेगा, देख सकते हैं सिलेबस सबका दुआ है। केमिस्ट्री है, इसका सिलेबस देख सकते हैं आप। इसमें आपको जनरल साइंस है, ये सिलेबस देख सकते हैं, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। जिसमें आपको जियोग्राफी है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें आपको करेंट इवेंट है जिसको करेंट अफेयर बोलते हैं, नोट कर सकते हैं। इसमें 25% आपका ए सेक्शन, 15% बी सेक्शन, 10% सी सेक्शन, और आपको 20% सी सेक्शन, 20% डी और 10% ई सेक्शन से, सारे सेक्शन से आपको टेस्ट लिया जाएगा। जो मैंने आपको सिलेबस बताया उसी सिलेबस से आएंगे क्वेश्चन आपको, और आपको टोटल 1800 नंबर के रहेंगे। अगर आपने ये 18 मई से लेकर 7 जून तक फॉर्म भर सकते हैं शाम में आपको 6 बजे तक, आप देख सकते हैं फॉर्म ऑनलाइन भरना है आपको। और जो भी आपको डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है कुछ ही पूछना है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिसका मैं जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मैंने सारी चीज़ बता दी आपको, सिलेबस मैंने बता दिया कि सिलेबस में क्या क्या था आपका, फॉर्म कब से भरे जाएंगे वो बता दिए मैंने आपको, इंटरव्यू में टेस्ट में कितने नंबर होंगे मैंने वो बता दिया। टोटल आपको 900 होंगे थ्योरी का और 900 आपका इंटरव्यू का, टोटल पेपर आपको 1800 नंबर का दिया जाएगा, जिससे आप बेहतरीन आप जॉब का और कंडक्टर एग्जामिनेशन शायद देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत बेहतरीन जॉब होता है, ये यूपीएससी के अंदर में आता है, जिससे आप डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं। इसमें एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, सारे सिलेबस इसमें आते हैं आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।